ठीक है, वॉट इज HTML? देखिए जनरली जो HTML है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट स्ट्रक्चर, सेक्शंस, पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स एंड ब्लॉक कोड्स फॉर वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। देखिए जनरली जो HTML है वो हमें कोई भी एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग को मिला गया है। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी एक वेब पेज क्रिएट करना है तो हम लोग HTML का यूज करते हैं। अब HTML जो है वो यूजर को अलाउ करता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने का, कोई पैराग्राफ क्रिएट करने का, कोई भी हेडिंग्स क्रिएट करने का, कोई भी लिंक्स बनाने का, ठीक है, या फिर कुछ ब्लॉक कोड्स उसमें डालने का, या फिर इमेजेस, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कोई वेब पेजेस बना सकते हैं। तो हमने जाना था कि वेब पेजेस क्या होता है। वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ठीक है, वीडियोस, ये सारे का कलेक्शन होता है। लेकिन वो सारे जो हम लोग वहां पे वो सारे एलिमेंट्स को लगाएंगे कैसे? ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो हमें HTML जो है फैसिलिटी देता है, किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा, या कोई सेक्शन हम लोग को बनाना है, टेक्स्ट लिखने के लिए पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, कोई हेडिंग्स हम लोग को देने हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक बहुत अच्छा सा वेब पेजेस यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीनिंग इट इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट डायनामिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसके पास ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती जिसमें हम लोग डायनामिक फंक्शनैलिटी दे सके। ठीक है, HTML के पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती जिसमें हम लोग डायनामिक फंक्शनैलिटी दे सके, मतलब हम लोग डायनामिक वेबसाइट HTML को यूज करके हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, HTML को यूज करके हम लोग नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है? अगर रन टाइम पे हम लोग को कुछ भी चीज वहाँ इनपुट देना है, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में हम लोग करते थे कि रन टाइम पे हम लोग कोई नंबर इनपुट ले लिए, या रन टाइम पे हम लोग कोई वैल्यूज को इनपुट लेते थे, वैसा यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते HTML को यूज करके। ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग कोई भी स्टैटिक डेटा डाल देते हैं, वही वो डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, इंस्टेड इट मेक्स इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सिमिलरली टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, बहुत सारे हम लोग वहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्लिप आर्ट्स लगाते थे, ठीक है, फॉर्मेटिंग वहां पे करते थे हम लोग, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीजें यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग वेब पेज बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट वहां बनाते थे। ठीक है, डिफरेंस बस यही है, यहाँ पे इसको हम लोग रन करेंगे वेब ब्राउजर पे, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एप्लीकेशन था, वहीं पर रन होता था। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन वर्किंग विथ HTML वी यूज सिंपल कोड स्ट्रक्चर, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो चीज यूज करेंगे, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टैग्स रहेगा, टैग्स के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वो टैग्स और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म पे ही होता है। ठीक है, टू मार्कअप ए वेबसाइट पेज फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट अ पैराग्राफ बाई प्लेसिंग द एनक्लोज टैग विद इन ए स्टार्टिंग पी टैग एंड क्लोजिंग स्लैश पी टैग। ठीक है, इस प्रकार के टैग्स होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ मतलब पी पी करके एक टैग होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी एक टेक्स्ट हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लोग एक टैग लगाते हैं पी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे जो भी हम लोग को टेक्स्ट लिखना है वो, और इस पी को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे टैग्स यूज होते हैं किसी भी टेक्स्ट के लिए या पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। पैराग्राफ मतलब जैसे मान के चलिए
ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है। अगर ये पैराग्राफ मुझे एचटीएमएल पेज में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे पीछे मैं टैग लगा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, लास्ट में पी को क्लोज कर दूंगा। बस ये हमारा पैराग्राफ बन गया, ठीक है। बहुत अच्छे फॉर्मेट में ये एचटीएमएल में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैग्स का यूज करके हम लोग कोई भी एक पैराग्राफ को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, एचटीएमएल पेज में हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एचटीएमएल जो होता है वो वेब पेजेस बनाने के लिए होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इमेजेस हो गया, पैराग्राफ हो गया, टैगिंग हेडिंग हो गया, लिंक हो गया, ब्लॉक कोड्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर उसमें बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं जिसे जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीजें करते हैं, मतलब डायनामिक चीजें हम लोग नहीं कर सकते, मतलब डायनामिक फंक्शनैलिटी हम लोग नहीं दे सकते, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग जो वर्क करते हैं एचटीएमएल में, वो सारे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बार्नर्स ली, ठीक है। टिम बार्नर्स ली करके कोई एक पर्सन था, एक फिजिसिस्ट था, ठीक है, जिसने सर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में इसका जन्म दिया था, मतलब इन्वेंट किया था, ठीक है। मतलब जनरली उस समय नेटवर्क तो बन गए थे, मतलब दो कंप्यूटर को जोड़ के आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया था, लेकिन अगर मान के चलिए किसी को भी इंफॉर्मेशन वहां पे देना है, किसी को भी वहां पे इंफॉर्मेशन देना, तो वो नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे उसने क्या किया था, इंटरनेट बेस्ड हाइपर टेक्स्ट सिस्टम उसने बनाया था, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, या फिर एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से लिंक करना, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट जो है अंडरलाइन किया हुआ, और मान के चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई दूसरा पेज खुलना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको लिंक बना दिया हमने, उसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो उसने कुछ ऐसा एक इन्वेंशन किया था जिसमें कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुल जाता था, मतलब वहां से कंट्रोल कहीं और चले जाता था, इस प्रकार का एक हाइपर टेक्स्ट जनरेट किया था, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स ए टेक्स्ट दैट कंटेन्स रेफरेंसेस और लिंक्स टू अदर टेक्स्ट दैट व्यूअर्स कैन एक्सेस इमिजिएटली, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए कोई भी वर्ड है, जैसे टिम बर्नर्स ली है, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है, अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे सीधा उस पेज पे लेके चले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ लिंक के थ्रू मिल जा रही है, और हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने बनाया हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ही पब्लिश द फर्स्ट वर्जन ऑफ एच टी एम एल इन 1991, ठीक है। 1991 में सबसे पहला वर्जन आया था एच टी एम एल का, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 18 एच टी एम एल टैग्स। सिंस देन ईच न्यू वर्जन ऑफ एच टी एम एल लैंग्वेज केम विद द न्यू टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। स्टार्टिंग में जब 1991 में जब पहली बार HTML पब्लिश हुआ था, तो उस समय 18 टैग्स अवेलेबल थे, लेकिन उसके बाद के जितने वर्जन आते गए, जितने भी वर्जन आते गए, नए नए टैग्स ऐड किए गए, नए नए एट्रीब्यूट्स उसमें ऐड किए गए, ठीक है। बहुत सारे आज के जमाने में तो इतने सारे टैग्स अवेलेबल है, मान के चलो कम से कम 5 से 6 हजार टैग्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के टैग्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इतने सारे टैग्स यूज करके हम लोग एक वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलरिटी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। एचटीएमएल इज नाउ कंसिडर्ड एन ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड, ठीक है।
HTML जो है एक ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। मतलब मान के चलिए वेब में हम लोग को कुछ भी चीज अगर डिस्प्ले करना है तो वो HTML के फॉर्म पे ही डिस्प्ले होता है, ठीक है। द HTML स्पेसिफिकेशन आर मेंटेन एंड डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, मतलब जो HTML है उसको कौन मेंटेन करता है और डेवलप कौन करता है? W3C, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग WWW के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेब स्टैंडर्ड्स बनाती है और HTML को अपडेट करने का भी काम करती है। मतलब दिनों दिन हर साल, हर 6 महीना, हर 3 महीने में वो HTML को अपडेट करती है। मतलब नए नए टैग्स उसमें ऐड करते हैं, टैग्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और नया वर्जन लॉन्च करते हैं। अभी अगर लेटेस्ट देखा जाए तो HTML 7 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द बिगेस्ट अपग्रेड ऑफ द लैंग्वेज वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ HTML 5 इन 2014। इट एडेड सेवरल न्यू सिमेंटिक टैग्स टू द मार्कअप एंड रिवील द मीनिंग ऑफ देयर ओन कंटेंट सच एज आर्टिकल, हेडर, फुटर, ठीक है। HTML 4 तक, मतलब HTML 1, 1.2, 1.3, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर HTML 5 आया 2014 में। जब HTML 5 आया, ठीक है, HTML 5 जो था सबसे पॉपुलर, ठीक है, HTML वर्जन हुआ करता था, ठीक है, सबसे पॉपुलर। आज भी HTML 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे इजी इजी टैग दिए गए हैं। मान के चलिए हम लोग को एक वीडियो अपने वेब पेज में ऐड करना है, तो एक सिंपल सा वहां पे टैग होता था, ठीक है, सिंपल सा वहां पे टैग होता था, ठीक है। वहां पे हम लोग इसको लिख लेते थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, वीडियो, ठीक है, ओपन किए, यहाँ पे हम लोग लिंक डाल दिए, ठीक है, जो भी लिंक डालना है यूट्यूब वगैरह का, और यहाँ स्लैश करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वीडियो। बस इतना छोटा सा टैग लिखेंगे और हमारे वेब पेज पे वो वीडियो को ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक वीडियो को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे टैग्स जो थे वो अवेलेबल किए HTML 5 में, बहुत सारे टैग्स जो थे अवेलेबल हुए HTML 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री थी इसमें इतना ही चीजें था, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स दैट एंड विद ए .html और .htm एक्सटेंशन, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसका जो एक्सटेंशन होगा .html होगा, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता था .docx, एक्सेल का होता था .xlx, ठीक है, और सी का भी होता था .c। यहाँ पे वैसे एक्सटेंशन है HTML का .html। तो जितने टाइप के फाइल्स होते हैं सबका तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग वेब ब्राउजर पे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं। फ्री में हम लोग डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें कोई भी HTML फाइल ओपन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। द ब्राउजर रीड्स द HTML फाइल एंड रेंडर्स इट्स कंटेंट सो दैट इंटरनेट यूजर्स कैन व्यू इट, ठीक है। तो इंटरनेट में जितने भी HTML फाइल्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्राउजर रीड करता है, उसको रेंडर करता है। रेंडर करना मतलब उसके जो टैग्स अवेलेबल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, सबको पूरे के पूरे फॉर्मेट में लेके आता है, ठीक है। मतलब उसका आउटपुट जो जनरेट करता है वो HTML में करता है, ठीक है। यूजुअली द एवरेज वेबसाइट इंक्लूड सेवरल HTML पेजेस, ठीक है। कोई भी अगर वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे HTML पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
जैसा होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जितने एचटीएमएल पेज होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे सेट ऑफ टैग्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टैग्स लगाए जाते हैं उसके अंदर, उसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वेब पेज का। ठीक है, वो टैग्स को यूज करके हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, हेडिंग्स क्रिएट करते हैं, और जो भी अदर कंटेंट होते हैं, मतलब कंटेंट को जो अरेंज करने का काम होता है। ठीक है, कभी भी हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सारा चीज प्रॉपर अरेंज होता है एकदम। ठीक है, कोई भी कंटेंट इधर उधर एकदम फेंकाया हुआ नहीं रहता। ठीक है, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वही हेल्प करते हैं जो कंटेंट है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टैग्स का यूज करते हैं, और हम लोग एक एचटीएमएल पेज में जितने सारे कंटेंट होते हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे या फिर वेब पेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के टैग्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये सारे टैग्स जो है हम लोग एक 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 करके डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार के टैग्स यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, H1 टैग मतलब हेडिंग टैग होता है, H2 टैग मतलब उससे थोड़ा सा छोटा टैग होता है, P टैग मतलब पैराग्राफ टैग होता है, इमेज टैग मतलब सोर्स होता है। ठीक है, इमेज टैग इमेज ऐड करने के लिए होता है, P टैग पैराग्राफ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एंकर टैग लिंक जनरेट करने के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे टैग्स अवेलेबल होते हैं। तो एक एक करके हम लोग टैग्स को देखेंगे।